अगर आप अपने घर में वॉशरूम टाइल फाइनलाइज करने की स्टेज पे हैं, देन दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड ऑलवेज कंसिडर। आपका वॉशरूम छोटा है या बड़ा, साइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर छोटा वॉशरूम है तो बड़ी टाइल्स यूज करें, जितने कम जॉइंट्स होंगे उतना स्पेशियस लुक देगा। मेंटेनेंस फैक्टर, अगर नेचुरल स्टोन आप यूज कर रहे हो तो मेंटेनेंस मांगता है टाइम टू टाइम, वरना वो पानी अब्सॉर्ब करेगा, तो उस केस में सिरेमिक या पोर्सलेन टाइल आप ऑप्ट कर सकते हो। फ्लोर टाइल्स के सिलेक्शन के टाइम आपको ख्याल रखना है स्लोप का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर छोटा वॉशरूम है तो 2x2 के टाइल से बड़ा आपको नहीं लेना है, बड़ा वॉशरूम है तो यू कैन फिगर आउट एज पर द स्पेस। और एंटी स्किड टाइल लेना है। अगर आपने शाइनी या ग्लॉसी टाइल ले लिया है तो वो स्लिपरी फैक्टर ऐड करेगा, विच इज नॉट सेफ। कलर पैलेट क्या होना चाहिए, अगर छोटा वॉशरूम है तो जनरली लाइट कलर्स, न्यूट्रल कलर पैलेट, दे लुक रियली नाइस एंड दे मेक योर स्मॉल वॉशरूम लुक बिगर। बड़े स्पेस में तो यू कैन प्ले विद कलर्स, बोल्ड पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स, बट ऐसा नहीं, आप छोटे स्पेस में टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स के साथ एंड कलर्स के साथ नहीं प्ले कर सकते हो, बट यू हैव टू प्ले विद लाइटिंग टू। उसमें परफेक्ट लाइटिंग होनी चाहिए, एडिशनल लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। टाइल्स में जनरली ग्राउट किया जाता है, तो ग्राउट आपको नॉर्मल सीमेंट बेस्ड ग्राउट नहीं लेना है, इपॉक्सी ग्राउट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये काफी अच्छा होता है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने ग्राउट दिया है 3mm या 4mm का, तो उस केस में लाइट ग्राउट अगर आप प्रेफर करो, मेंटेनेंस फैक्टर ऐड होता है, तो वहां डार्क कलर का ग्राउट आप लोगे तो इट विल ऐड कॉन्ट्रास्ट, अगर आपने लाइट कलर का टाइल लिया हुआ है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ मेंटेनेंस फ्री।